Hey guys, what's up? Meenakshi here. Welcome or welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. आज के वीडियो में हम बात करेंगे Alps Goodness के अच्छे और बुरे प्रोडक्ट्स के बारे में. ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें मैंने तकरीबन 6 से 7 महीने पहले मंगाया था एंड ओवर द कोर्स ऑफ टाइम मैंने ऑन एंड ऑफ इनको यूज़ किया बिकॉज मेनली इसमें ऑर्गेनिक हेयर पाउडर्स और स्किन पाउडर्स और ये सब थे जिनको हम DIYs वगैरह में यूज़ करते हैं. तो वो ऐसी चीज़ें नहीं थी जिनको कि मैं लगातार यूज़ कर पाऊँ, बट कुछ एक स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी थे, फेस वॉशेज एंड स्क्रब्स एंड टोनर्स वगैरह. तो आज के वीडियो में उन सबके बारे में मेरा जो कंबाइंड ओपिनियन है वो आपके साथ मैं शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी मुझे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्यों अच्छा लगा या क्यों नहीं अच्छा लगा. बिकॉज Alps Goodness एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको लोग इसलिए खरीदते हैं मेनली बिकॉज वो बहुत सस्ते प्रोडक्ट्स आते हैं और नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आते हैं, पेस्टिसाइड्स फ्री होते हैं एंड दैट्स अ रियली नाइस थिंग अबाउट दीज ब्रांड्स दैट दे आर ट्राइंग. बट समटाइम्स आई डू फील दैट देर इज अ क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज फॉर नो रीजन. लाइक वन थिंग इज कि जब आप यू नो प्राइस कम रखने के चक्कर में आपको कुछ कम करना पड़ गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. बट कई बार आप उसमें अननेसेसरली ऐसी चीजें डाल रहे हो जो हमारे लिए अच्छी हैं ही नहीं, तो उससे अच्छा है आप हमसे थोड़े पैसे ज्यादा ले लो लेकिन हमें चीज अच्छी दे दो. तो मेरा लॉजिक थोड़ा ऐसा है. आई एम श्योर कुछ लोग मुझसे डिसएग्री भी करेंगे बट ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है एंड ऑब्वियसली इट कैन बी डिफरेंट देन योर्स एंड इट्स टोटली फाइन. बट आई हैव माई ओन रीजन्स एज टू यू नो मुझे कुछ प्रोडक्ट्स क्यों नहीं अच्छे लगते. तो चलो आज के वीडियो में मैं वो सारी चीजें आपको बताती हूँ और मैं आपको फटाफट से इन सब प्रोडक्ट्स का मिनी रिव्यू भी दूंगी. आई होप ये वीडियो आपके लिए काम का हो. अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना. विद दैट सेड लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहला प्रोडक्ट मेरे पास ये है जो कि आप देख ही सकते हो मैंने काफी कम यूज करा है. आई टेल यू व्हाई. नाउ दिस इज देयर नीम एंड तुलसी फेस वॉश. इट प्योरीफाइज स्किन, बैलेंसेस स्किन पीएच लेवल, ऑल नाइस थिंग्स, नो कंप्लेंट्स. 100 ml की बॉटल है ये और 99 rupees इसका रिटेल प्राइस है. हालांकि रिसेंटली मैंने कुछ वेबसाइट्स पे ऑफ भी देखा जहां पे ऑफर में ये 99 में 1+1 मिल रहा था, यानी कि 100 rupees में आपको 2 मिल रहे थे ये. सो नाइस. बट इंग्रेडिएंट्स जब मैं पढ़ती हूँ तो इसमें जितने सारे अच्छी चीजें हैं ना, सबसे पहली बात जैसे कि इसमें एलोवेरा बार्बिडेंसिस का लीफ एक्सट्रैक्ट है, इसमें नीम एक्सट्रैक्ट है, तुलसी एक्सट्रैक्ट है और फ्लावर एक्सट्रैक्ट एंड ऑल दोज नाइस थिंग्स ना, दे आर टूवर्ड्स द बॉटम ऑफ द लिस्ट. सो दैट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग. और ऊपर बहुत सारे केमिकल्स दिए हुए हैं. ऑल्सो दूसरी डाउन साइड क्या मुझे लगी कि इसमें परफ्यूम भी है और इसमें कलर भी है. नाउ कलर की मुझे रीजन समझ नहीं आती. आई थिंक कई लोग ऐसे ना फेस वॉशेस तब खरीदते हैं, नीम वाले, तुलसी वाले या नींबू वाले या उस तरह के, जिन पे जो ग्रीन या येलो कलर का दिखेगा तभी लोग उसको खरीदेंगे. मतलब शायद ये कंज्यूमर मेंटेलिटी हो गई है कि एक्ने और पिंपल्स और ऑयली स्किन वाले ऐसे फेस वॉशेस को दूर से देख लेते हैं, अरे ये हरे रंग का या पीले रंग का दिख रहा है तो यही ले लो क्योंकि इसमें बहुत सारे नीम, तुलसी और नींबू के पत्ते और सत्व होगा और ये हमारी एक्ने पिंपल्स को ठीक करेगा. बिल्कुल गलत फिलॉसफी है. हमेशा पैक को ऐसे टर्न करके ऐसे पीछे आप पढ़ो क्योंकि अगर इस प्रोडक्ट में कलर है, और मैंने यूज किया इसलिए मैं बता रही हूँ, इसकी फ्रेग्रेंस थोड़ी नहीं है, इट्स ओवरपावरिंग. बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है. आप लगाओगे आप समझ जाओगे, बहुत ज्यादा स्मेल है और बहुत ज्यादा यू नो आर्टिफिशियल कलर दिया हुआ है जिसका मुझे कोई सेंस नहीं लगता. मैंने इसको 5 days यूज किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ऊपर तक भरा हुआ था ये, मैंने सिर्फ इसको 5 days यूज करा था, खुद को फोर्स करके. मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था तो भी, एंड ओवरऑल देन फाइनली आई डिसाइडेड कि नहीं यार, मतलब दिस इज नॉट वर्थ इट. मेरी स्किन पे मुझे मतलब ऐसा लग रहा था मैं कुछ चीप क्वालिटी का लगा रही हूँ जो कि मतलब इज नॉट नाइस एट ऑल. और ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहती कि कोई फैंसी फेस वॉशेज ही यूज करने चाहिए. मेरे ख्याल से 150-200 rupees या 300 rupees तक बहुत अच्छे फेस वॉशेज आ जाते हैं. इट्स जस्ट अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन द राइट वे गाइज. यू नो इट डज नॉट मीन कि कोई प्रोडक्ट आपको इमीडिएटली अगर ब्रेकआउट नहीं कर रहा है तो दैट मीन्स इट्स सूटिंग यू. इट डज नॉट वर्क लाइक दैट. सेकेंड प्रोडक्ट मेरे पास यहाँ पे है उनका कॉफी एक्सफोलिएटिंग फेस स्क्रब. आप देख सकते हो डब्बी पूरी खाली हो चुकी है. मैंने लास्ट टाइम दिसंबर में जो प्रोडक्ट रिग्रेट्स की वीडियो करी थी वहां पे भी मैंने इसको मेंशन करा था. तो ये खाली इसलिए हो चुकी है बिकॉज मैंने फेस पे तो इसको फ्रेंकली 2 ही बार लगाने की हिम्मत करी थी. उसके बाद जितना बचा हुआ था ना मैंने अपने नीज पे, एल्बोज पे और बॉडी पे लगा के एज अ बॉडी स्क्रब इसको खत्म कर दिया. और ये डब्बी मैंने सिर्फ रखी हुई थी इस वीडियो के लिए. नाउ आई एम गोइंग टू थ्रो इट अवे आज. सो ये वैसे कुछ इसमें दिक्कत नहीं थी मुझे. आई थिंक ये 125 rupees का आता है और ये 30 grams की क्वांटिटी है. वैसे ठीक ठाक है लेकिन इंग्रेडिएंट से शिकायत नहीं है मुझे, बट इसकी फॉर्मुलेशन बहुत ज्यादा हार्श है. फेस पे आपको बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, पूरा फेस छिल जाता है यार इसको यूज करके. कितना भी आपको मजा आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, फेस पे मत यूज करो. तो बॉडी के लिए लेना है तो ले सकते हो. नेक्स्ट अप इज अ प्रोडक्ट दैट आई फाउंड टू बी डिसेंट. इट डिड नॉट ब्रेक मी आउट और एनीथिंग, इट वॉज फाइन. बट इसमें भी मुझे वही शिकायत है, इसमें भी परफ्यूम और कलर दोनों है. नाउ द थिंग विद ग्रीन टी टोनर्स
जस्ट के यूजुअली ग्रीन टी बेस्ड चीजें वो लोग खरीदते हैं जिन्हें एक्ने और पिंपल्स होते हैं, बट अगेन यू आर एडिंग सो मच ऑफ कलर एंड फ्रेग्रेंस इन इट, देन इट्स ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू सूट दोज पीपल. सो काफी कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाती है वो फॉर्मुलेशन. अगली बात, इसमें क्या कुछ अच्छे इंग्रेडिएंट्स इसमें जरूर हैं दैट आई डू वॉन्ट टू पॉइंट आउट. इसमें आपको तुलसी एक्सट्रैक्ट है, एप्पल एक्सट्रैक्ट है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, इसमें लिकराइस एक्सट्रैक्ट है, मलबेरी है, रोज एक्सट्रैक्ट है, नीम एक्सट्रैक्ट, क्यूकम्बर है, विच हेजल, अच्छी चीजें भी हैं, थोड़ी सी पीछे की तरफ है बट बहुत सारी अच्छी चीजें हैं. लेकिन साथ में आपने परफ्यूम और कलर डाल दिया है तो वो मुझे थोड़ा सा लगा कि यार इट्स नॉट डन. बट आई डिड यूज इट फॉर आई थिंक 10 days और सो एंड इट डिड नॉट ब्रेक मी आउट और एनीथिंग. आई फेल्ट नाइस और ओके यूजिंग इट. ऑल्सो इसमें फेनोक्सी एथेनॉल है जो बेसिकली एक एथर एल्कोहल होता है जिसको आप ग्रीन टी के एक्सट्रैक्ट से नेचुरली डिराइव करते हो लेकिन उसको लैब में सिंथेसाइज किया जाता है. सो वो एक सॉल्वेंट का काम भी करता है, प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है. बेसिकली वो कंपनीज यूज करती हैं इसको जो अपने प्रोडक्ट्स में यू नो पैराबेंस वगैरह नहीं यूज करना चाहती हैं, तो इंस्टेड ऑफ दैट दे स्विच टू दिस विच इज मोर यू नो सेफर एंड नेचुरल एंड बेटर फॉर द पीपल टू यूज. सो ओवरऑल आई थिंक दिस वन इज रियली नाइस. अपार्ट फ्रॉम द ओनली थिंग के इसमें परफ्यूम और कलर है, तो अगर आपको उसकी सेंसिटिविटी नहीं है तो आप इसको यूज कर सकते हो. ऐसा कुछ खास ब्रेकआउट से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. मैंने काफी यूज किया है इसको, मुझे अच्छा लग रहा है और मैं इसको कंटिन्यू भी करूंगी, नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस मे बी, बट ओवरऑल आई लाइक इट. नेक्स्ट अप आई हैव विद मी देयर रोज वाटर. दिस इज 50 ml की बॉटल एंड आई गॉट इट फॉर 68 rupees ओनली. सो लाइक प्राइस फ्रेंडली है, छोटी सी बॉटल है. दिस आई फाउंड टू बी लाइक ओके ओके, नथिंग टू ग्रेट, नथिंग टू बैड. आई थिंक यू हैव बेटर ऑप्शन इन मार्केट फॉर नेचुरल रोज वाटर्स, बिकॉज यार अगर आप सेपरेटली रोज वाटर खरीद रहे हो इट बेटर बी नेचुरल एंड ऑर्गेनिक. उसको क्यों मतलब आपने एक परफ्यूम्ड वाटर ले लेना है बस जो गुलाब के जैसे महक रहा है. नाउ फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस उसमें काफी सारे अच्छे इन्ग्रीडियंट्स हैं, यू नो इसमें एक्चुअल रोज फ्लावर का वाटर है, उसका फ्लावर ऑयल है, उसके अलावा उसमें यू नो उसके पेटल का एक्सट्रैक्ट है. बहुत सारी अच्छी चीजें भी इसमें हैं एंड साथ साथ इसमें एक ही बस छोटी सी गड़बड़ है, वही कि इसमें परफ्यूम भी है, तो वो मुझे थोड़ा सही नहीं लगता. आई फील के जब मैं प्योर रोज वाटर खरीद सकती हूँ बाहर से तो फिर मैं ये क्यों खरीदूँ. प्लीज मुझे कमेंट करके बताना अगर आप लोग चाहते हो कि मैं रोज वाटर के ऊपर भी कोई वीडियो करूँ, क्योंकि उसके लिए कुछ लोग सेपरेटली रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, बट आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू गाइज विल बी इंटरेस्टेड टू नो अबाउट दैट. सो आई थिंक दिस I found to be like okay okay क्योंकि इसमें कुछ preservatives वगैरह भी दिए हुए हैं. I don't feel the need of के क्यों हमें एक normal से rose water में इतनी सारी चीज़ें डालने की ज़रूरत है. It better be as natural as possible. So this also is like okay, not bad, not good. Next up is what Alps Goodness is known for is their organic hair and skin powders. ये सब packets हैं मेरे पास, दो तीन और भी थे जो मैं use करके throw away कर चुकी हूँ फिलहाल, तो उनकी packaging नहीं है of course. Let's quickly go through them one by one. ओके नाउ कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें हैं जो कॉमन है इन सारे हेयर और स्किन पाउडर्स में, तो वो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि जितने भी सारे पाउडर्स हैं ना ये सारे जो हैं 70-80 rupees से स्टार्ट होके मैक्सिमम आई थिंक 155 की रेंज में आ जाते हैं. 120, 150, 125 उसी रेंज के आसपास होते हैं. प्रिडोमिनेंटली 99 rupees के होते हैं. इनमें एक अच्छी बात जो मुझे सब में लगी, एक्चुअली दो अच्छी बात है. सबसे पहले ये जितने सारे पाउडर्स हैं ना ये 100% ऑर्गेनिक हैं, नेचुरल हैं, इनमें कोई प्रिजर्वेटिव और पेस्टिसाइड नहीं है. सो पेस्टिसाइड फ्री कम्प्लीटली ऑर्गेनिक पाउडर्स हैं, सो दैट्स अ रियली नाइस थिंग. दूसरी अच्छी बात यह है कि मेनली आप जिस भी प्रोडक्ट के पीछे पढ़ोगे ना, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एलोवेरा लीफ पाउडर, तो इसमें इंग्रीडियंट्स में इकलौता एक ही इंग्रीडियंट है विच इज एलोवेरा लीफ पाउडर इट्सेल्फ. और जैसे आप रोज पेटल का पढ़ोगे तो उसके पीछे इंग्रीडियंट में सिर्फ रोज ही है, मतलब जिस चीज का वो पाउडर है उसमें सिर्फ इकलौते उसी इंग्रीडियंट को 100% क्रश करके उससे ही पाउडर बना है, इसमें और कोई दूसरी चीज नहीं दी हुई है. तो ये बहुत अच्छे साइंस होते हैं कोई भी ऑर्गेनिक हेयर पाउडर्स के लिए. नाउ लेट्स गो थ्रू देम वन बाय वन. सबसे पहले जो मुझे नहीं अच्छा लगा इज देयर हिबिस्किस एंड मेथी पाउडर, दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक. ये एक ना बिल्कुल ही, सबसे पहले तो ना मैं बता दूं आपको, एक बर्गंडी से कलर का, एक मेजेंटा पिंक से कलर का बन के आएगा. तो जब आप लगा रहे हैं थोड़ा ध्यान रखिए, ग्लव्स वगैरह पहनिए, कपड़ों वपड़ों पे ना गिर जाए, उसका दाग लग जाता है. तो इसमें से आई थिंक मेरी हेयर लेंथ के हिसाब से 2 या 3 बार का पैक आप बना सकते हो, तो मैंने इसको 2 बार तो यूज किया, अभी इतना सा बाकी है इसमें. तो ये ना मुझे इसमें कुछ फीलिंग समझ नहीं आई, लाइक लगाने के बाद भी मुझे बाल अच्छे नहीं लगे और बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे थे, ड्राई हो रहे थे. तो ये मुझे बहुत ओके लगा. हिबिस्कस और मेथी यार वो आदमी लेगा ना जिसको कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, तो वही प्रॉब्लम इससे बढ़ रही थी मेरी, तो इसलिए मैंने तो इसको डिसकंटिन्यू कर दिया. अभी जितना बचा भी है वो भी मैं थ्रो अवे ही करूँगी, यूज़ नहीं करूँगी. मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ अच्छा नहीं था. दूसरा जो पाउडर है जिसके साथ मेरा डिसेंट इनफ एक्सपीरियंस था इज देयर लिकराइस पाउडर. इसमें भी अगेन
नो केमिकल्स नथिंग एंड इकलौता इंग्रेडिएंट इज दिस ओनली. नाउ हर पाउडर के पीछे आपको बताया हुआ है कि अगर आप स्किन के लिए यूज कर रहे हो तो कैसे करना है, हेयर के लिए यूज कर रहे हो तो कैसे करना है, लाइक पैक बनाना कैसे है, लगाना कैसे है और कितनी देर के लिए करना है. तो आप ये मैक्सिमम इसमें वो पाउडर्स हैं जिनको आप फेस और बाल दोनों पे लगा सकते हो. तो लिकराइज भी आप फेस पे भी लगा सकते हो और बालों पे भी. तो ये वाले के साथ मेरा एक्सपीरियंस भी डिसेंट इनफ था. मतलब मैंने कुछ इंस्टेंटली नोटिस नहीं किया, लेकिन कुछ इसके साथ ख़राब नहीं हुआ. लाइक इसको जब बाल सूख भी गए मेरे या जब गीले भी थे, बाल टूट नहीं रहे थे, स्किन ड्राई नहीं लग रही थी, मतलब स्कैल्प ड्राई नहीं लग रहा था, बाल नहीं टूट रहे थे. तो ओवरऑल आई थिंक इट वॉज लाइक डिसेंट फॉर मी. नेक्स्ट अप इज वॉट आई रियली लव्ड वॉज देयर एलोवेरा लीफ पाउडर. तो ये बेसिकली एलोवेरा के लीफ से जो पाउडर निकलता है वो है. सो हाउ कूल इज दैट. इसको भी आप स्किन पे, हेयर पे, आई थिंक दोनों पे लगा सकते हो. तो आप अपने फेस मास्क में थोड़ा थोड़ा कभी ऐड कर लो. अगर आपको एक्ने पिंपल्स वगैरह होते हैं और आप वो मुल्तानी मिट्टी वाले पाउडर्स लगाते हो थोड़ा उसमें डाल सकते हो. या जो आप घर पे ऑर्गेनिक फेस वॉश पाउडर बना सकते हो. मैंने बहुत पहले एक वीडियो करा था कि सुबह के फेस वॉश के लिए जनरली जब हम मार्केट वाला नहीं खरीदना चाहते और घर का ही DIY लगाना चाहते हैं तो एक डब्बे के अंदर आप थोड़े थोड़े हर ये जितने सारे अच्छे अच्छे पाउडर्स होते हैं, थोड़ा बेसन, थोड़ा नीम, थोड़ी मुल्तानी, थोड़ा ओट्स पाउडर, एनीथिंग दैट यू लाइक, उसको क्रश करके एक मिक्स्ड सा पाउडर बना के रख लो और उस पाउडर से फेस वॉश करो. तो वो ऑप्शन के लिए मैं इसको, आई मीन आई एम गोइंग टू ऐड दिस टू दैट मिक्सचर ऑफ माइंड. सो दिस वन वर्क्स रियली गुड ऑन हेयर ऑल्सो एंड फेस ऑल्सो. मैं ज़्यादा एडवाइस करूँगी इसको फेस के लिए. सो डू गिव इट अ ट्राई. दिस वन कॉस्टेड मी हाउ मच, 70 rupees ओनली. सो इट्स वर्थ बाइंग. नेक्स्ट अप इज देयर रोज पेटल पाउडर. नाउ ये भी रोज की पत्तियों को क्रश करके ये पाउडर बनता है. तो जो लोग भी DIYs में अब यू नो किसके पास टाइम है कि एक्चुअल फूलों को सुखाएं धूप में, फिर उनको पाउडर क्रश करें, फिर वो उतनी अच्छी कंसिस्टेंसी भी नहीं मिलती है, इन दैट केस आपको ये 90 rupees में बना बनाया ऑर्गेनिक पाउडर मिलता है. तो आपके फेशियल DIYs वगैरह के लिए मेरे ख्याल से रोज पेटल पाउडर बहुत अच्छा रहेगा. हालांकि इसमें जो बिहाइंड द पैकेजिंग यूजेज बताया हुआ है वो सिर्फ बालों के लिए बताया हुआ है. सो अकॉर्डिंग टू दिस पैक शायद आप इसको फेस पे नहीं लगा सकते. मैंने तो थोड़ा बहुत लगाया था वैसे, बट आपको इंस्ट्रक्शन सिर्फ दिए हुए हैं बालों के लिए. इनफैक्ट कल ही मैंने इसको बालों पे भी लगाया था तो मुझे अभी मतलब ठीक लग रहे हैं बाल. लाइक अभी मैंने कुछ यूज नहीं करा है बालों पे, मुझे अच्छे लग रहे हैं बाल. तो ये रोज पेटल पाउडर आप यूज कर सकते हो बालों के लिए. इसके अलावा मेरे पास उनका एक बर्गंडी हेयर कलर पाउडर भी था, जो एक नेचुरल हेयर कलर पाउडर था विच वॉज सपोज टू कलर माई हेयर एज बर्गंडी. उस पर मैं सेपरेट व्लॉग भी कर चुकी हूँ कि कुछ हुआ कि नहीं हुआ, तो वो व्लॉग जाके देख सकते हो. बट यहाँ पे ही अगर जल्दी में हो तो मैं बता देती हूँ कि वो ठीक था लगाने में, लेकिन उससे कुछ कलर नहीं आया बालों में. आई गेस दीज ऑर्गेनिक कलर थिंग्स डोंट वर्क मे बी, यू नो. शायद आपको कुछ हद तक तो केमिकल डालना ही पड़ता है बालों को कलर करने में, जो कि उसमें नहीं था शायद सफिशेंट. सो मेरे बाल कलर नहीं हुए. तो अगर आप इनके जो हेयर कलर पाउडर है, चाहे वो इंडिगो है, बर्गंडी है, वो सब अगर आप इसलिए खरीद रहे हैं कि बाल कलर हो जाएंगे तो शायद वो कलर तो नहीं करेंगे. तो या दैट्स माई फीडबैक ऑफ दैट प्रोडक्ट. द लास्ट पाउडर दैट आई हैव विद मी इज देयर अम्बा हल्दी पाउडर. यू गाइज नो अम्बा हल्दी इज वेरी बेनिफिशियल फॉर स्किन, स्पेशली जिन लोगों की स्किन पे पिगमेंटेशन है, टैनिंग है, या वैसे भी स्किन के लिए हल्दी अच्छी होती है. तो जो भी उपटन वगैरह बनाते हो उसमें एक दो पिंच डाल सकते हो, बॉडी के लिए भी, फेस के लिए भी. और आप इसको यहाँ पे दिया हुआ है कि बालों पे भी लगा सकते हो. सो आप अपने हेयर मास्क में भी इसको ऐड कर लो. अच्छा, इन सभी पाउडर्स पे ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आप इनको हेयर मास्क की तरह से लगा रहे हो ना, तो आपको मिनिमम 60 minutes यानी 1 hour के लिए रखना ही है. और बेहतर रिजल्ट के लिए आप एटलीस्ट अगर उनको 3 घंटे रखें तो अच्छा रहेगा. 3 घंटे थोड़ा लंबा टाइम होता है, बट इस पर ऐसा लिखा है 3 कर सको तो अच्छा, नहीं तो 1 घंटा रख के भी वॉश कर सकते हो. सो ओवरऑल आई फील विद द पाउडर्स आई स्टिल हैड अ डिसेंट एक्सपीरियंस, बट विद द प्रोडक्ट्स इट वॉज ओके. ओके ऑन माई स्किन लकीली दे डिड नॉट रिएक्ट दैट बैड. ऑलराइट गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई रियली होप दैट दिस वीडियो हेल्प्ड. इफ इट डिड देन प्रेस द लाइक बटन. इफ यू आर न्यू देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन. एंड आई एम सॉरी इफ आई एम रिपीटिंग इट अगेन, बट आदत हो गई है. आई एम गोइंग टू सी यू गाइज वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स. आई लव यू ऑल एंड स्टे ब्यूटीफुल.